वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं होप करता हूँ कि आप अपने घरों में अच्छे से होंगे, आपका भाई भी अच्छा है। तो आपका भाई एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ चुका है कि आपका बाइक अगर धूप या बारिश में पलक, उसका जो बाइक का पलक होता है वो अगर साट हो जाए तो आपको क्या करना है और क्या कैसे उसको साफ़ करना है। उसको चेंज नहीं करना है उसी पलक में पलक, क्योंकि ख़राब नहीं होता है ज़्यादातर। अगर रेयर हो तो आप चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे करना है। वीडियो शुरू करने से पहले तब तक आप नीचे जाएं और सब्सक्राइब के घंटा को दबाएं और लाल बत्ती को दबाएं और कमेंट करें और कमेंट करके अच्छे से बताएं। तब तक चलिए वीडियो को पूरा बने रहिए और पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको ये पलक होता है, ये अभी मैं निकाल दिया हूँ, ये सिंपली ऐसे लगे रहता है। इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस निकालना है और इधर देख लेना है कि वायर सब ठीक है कि नहीं। इधर देखने के बाद इसको साइड में कर दें और ये टूल बॉक्स होता है, यहाँ आपका हर चीज़ मतलब होता है। उसको चाबी के की से इसको ऐसे खोलें और अंदर से मतलब इसको यहाँ रख के ये मिल जाएगा आपको आपके टूल बॉक्स के सेट में। तो इसको सिंपली से इस साइड जिधर बड़ा होता है इस साइड इसको ऐसे करके लगाना है और ये पेचकस का पीछे वाला रहता है उसको सिंपली इसमें ऐसे करके डालना है और इसको घुमा देना है इधर इधर की ओर, जैसे नट खुलता है वैसे इसको खोलना है। थोड़ा सा खोलने के बाद इसको रख देंगे और हाथ से धीरे धीरे कि चूड़ी मिस ना हो धीरे धीरे खोल के इसको बाहर करना है। ये निकल जाएगा आपका बाहर। तो ये देखिए निकल चुका है और देखिए कितना ये काला हो चुका है, आप कैमरा में देख पा रहे होंगे कि कितना काला हो चुका है। ये बॉस कंपनी का ओरिजिनल है R6, आप देख सकते हैं। और इसको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको आपको एक मतलब कपड़ा लेना है इधर से और इस कपड़े को मतलब पहले पूरा पोंछ लेना है। अगर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है तो इसमें ना आपको पेट्रोल से साफ करना है ना कुछ भी नहीं, इसको ऐसे पोंछ लेना है। और पोंछने के बाद इसको अपने चाबी से या किसी भी चीज़ से किसी चीज़ से ऐसे रगड़ देना है। रगड़ने के बाद अगर ये साफ़ हो जाएगा ऐसे फूंक मारना है इसमें, ये साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको सिंपली नीचे भी एक कपड़ा है, कपड़ा से पोंछ के और ये जिससे हम लोग खोले थे उससे जा के इधर अंदर साइड इसके इसको भी साफ़ कर लेना है अच्छे से। साफ़ करने के बाद सिंपली इसको फूक के ऐसे लगा देना है एकदम सीधा अच्छे से सीधे तरीके से इसको ऐसे इसको लगा देंगे पूरा, ये लग जाएगा। उसके बाद इसको अच्छे से टाइट करना है नहीं तो करंट छोड़ सकता है जो आपका बाइक है वो। तो इसको ऐसे बस थोड़ा हल्का टाइट कर लेना है, देखिएगा कहीं फंसे मत, इसको अच्छे से बस टाइट करना है फिर इसको रख देना है। और इसको सिंपली देख के इसको सीधा देख के अच्छे से इसको लगा दीजिए ऐसे करके बस। उसके बाद इसको आपको नीचे रख देना है, उसके बाद ऊपर चलेंगे गाड़ी में, फिर यहाँ लगाना है आपका की ऐसे और सिंपली आपको ये किक जो है किक मार के आपको ये देखिए गाड़ी चालू हो चुका है, ये देख लीजिए। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है और सिंपली गाड़ी को बंद कर देंगे, आपकी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा छोटा सा बाइक का प्लग साफ करने का वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, इससे कुछ आपको मिला होगा। और ये ऐसा है कि मतलब इसको करेंगे तो गाड़ी चालू होगी ही, ये बिल्कुल ही एकदम रामबाण उपाय है। तो इसको करके आप ट्राई करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और बस ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।